कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एक बार फिर से उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ सुनील यादव हैं समाजवादी पार्टी से और राजेश चौधरी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। राजेश जी, पहले तो देखिए आपके पास मैं आना चाहूंगा। सीधे सीधे देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री स्पेशल 30 बनाते हैं, उसमें दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं है, यानी ना बृजेश पाठक है ना उसमें केशव प्रसाद मौर्य। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए और जेपी नड्डा से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, फिर भूपेंद्र चौधरी आते हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तमाम बातें बताई गई, जो बुरा प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में, जो सीटों का लॉस हुआ उसकी डिटेल उन्होंने बताई है, तो समथिंग इज कुकिंग, कुछ तो चल रहा है। देखिए, चुनाव के परिणाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर आए, ये बात सही है कि हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं आए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से हमारे परिणाम नहीं आए, तो उसका आत्ममंथन चल रहा है। कहाँ हमारी चुनाव में कमी रह गई, क्या बात ऐसी थी जो जनता को हम नहीं समझा पाए, क्यों हम जनता को प्रभावित नहीं कर पाए, कैसे हमारे वोट बैंक में कमी आई, ये तो अकाट सत्य है। सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक सारे जिलों में जहाँ चाहे हम जीते हैं चाहे हम हारे हैं, हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो हम इस बात को ठीक से मंथन कर रहे हैं कि आने वाले समय में, राजेश जी कितनी सरलता से आप बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। आप तो बड़ा बिल्कुल सिंपल सा आंसर दे दिया आपने, मैंने तो थोड़ा मुश्किल सवाल पूछा था। मैंने तो कहा था कि समथिंग इज कुकिंग, केशव प्रसाद मौर्य आनंद फानन में दिल्ली आते हैं, भूपेंद्र चौधरी आते हैं, एक स्पेशल 30 बन जाता है, योगी आदित्यनाथ बनाते हैं, उसमें 16-17 मंत्री हैं और दोनों डिप्टी सीएम नहीं है, तो आपको लगता है इतना सीधा इतना सरल है? देखिए, स्पेशल 30 को योग कल या आज नहीं बनाए, स्पेशल 30 बनाया संगठन ने और बनाए हुए, उसको समय हो गया, उसकी एक बैठक हो गई, मैं भी उसका मेंबर हूँ, मैं भी उस चुनाव जिताने वाली कमेटी में, एक विधानसभा का मैं भी प्रभारी हूँ। आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। सरकार की तरफ से मंत्रियों को हर चुनाव क्षेत्र में लगा गया, दो दो तीन तीन मंत्री, चार चार कई मंत्री, संगठन की तरफ से एक एक व्यक्ति को लगाया गया है, ये पहले से तय था। इसकी एक मीटिंग उत्तर प्रदेश के कार्यालय में पहले भी हो चुकी है। चलिए एक सवाल मैं आपसे यही राजेश जी और पूछता हूँ, 10 सीटों पर उपचुनाव है, दोनों डिप्टी सीएम उस लिस्ट में नहीं है, क्या जरूरत नहीं समझी गई या कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी 30 लोग हैं वही संभाल लेंगे? ऐसा नहीं है, किसकी मंत्री तो 30 से भी ज्यादा है, सबको थोड़ा रखा जाता है। अब कहां किसकी उपयोगिता है, क्या उनसे काम लेना है, ये तो नेतृत्व तय करता है, तो नेतृत्व ने तय किया है 30 लोगों को उनको रखा है और 10 लोग संगठन की तरफ से उसमें रखे गए, कुल मिलाकर के 40 लोग हैं, वो 30 नहीं है, मंत्री हैं प्लस संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, विधायक लोग हैं, कई लोग वहां उस तरह के चुनाव के लिए लगाए गए और जाकर के क्षेत्रों में भी मीटिंग करके आ गए। ये पहले लखनऊ के अंदर मीटिंग हुई, फिर विधानसभा क्षेत्रों में सब मीटिंग करके आ गए और काम चल रहा है जमीन पर। सुनील जी अच्छा ठीक है, सुनील जी राजेश जी को आपने सुन लिया। देखिए अखिलेश जी पता नहीं क्यों इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों ट्वीट कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी बात है, 10 सीटों पर चुनाव होने, पार्टी डिसाइड कर रही है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, स्ट्रेटेजी बन रही है और जो हार हुई जिस तरह से कुछ सीटें गंवाई हैं बीजेपी ने उस पर एक तरह से मंथन हो रहा है, तो वो तो बहुत सिंपल बता रहे हैं इस चीज को, कह रहे हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, कुछ नहीं पक रहा। देखिए पंकज जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कई दिनों से यही बात कह रहे हैं कि कुछ नहीं चल रहा है। अगर कुछ नहीं चल रहा था तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ आते, उसी के दूसरे दिन आपके प्रदेश अध्यक्ष जी चले जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी चले जाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलते हैं, फिर नड्डा जी और राष्ट्रीय अमित शाह जी से मिलते हैं, फिर अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर उसके बावजूद भाजपा कह रही है कि कुछ नहीं चल रहा है, तो आखिर ये बात निकल करके क्यों आई कि योगी जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इसका मतलब मुख्यमंत्री हटाने का प्रयास चल रहा था, जो आप कह रहे हैं कि कुछ तो पक रहा था। और भूपेंद्र चौधरी जी हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये नैतिक बेईमानी है। अगर 2017 की जीत का सेहरा मोदी जी ने पहना, 2019 की जीत का सेहरा मोदी जी ने पहना, 2022 के जीत का सेहरा मोदी जी ने पहना, तो 2024 का हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी जी की कैसे हो गई? सुनील जी देखिए, मैं आपके ट्विटर को फॉलो करता हूं, आपके हैंडल को फॉलो करता हूं, आपने तो यहां तक कह दिया कि और कुछ नहीं है, ये गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की टकराव है कहीं ना कहीं, ये कह दिया। वही मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए, ये लड़ाई योगी आदित्यनाथ जी की और केशव प्रसाद मौर्य जी की नहीं है, ये लड़ाई है कि मोदी जी के बाद कौन, तो उसमें योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी चाहते हैं कि हम रहे, तो
ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बीच है। वो तो केवल एक मुखौटा है, क्योंकि वो केवल उनके माध्यम से खेल खेला जा रहा है। लेकिन जो हमने इधर एक्सरसाइज भाजपा में देखी है, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछूंगा कि बताइए, इस मतलब उत्तर प्रदेश में 42 साल में सबसे भ्रष्ट सरकार, क्या विपक्ष की किसी नेता? ठीक है, इस पर आएंगे जरा। प्रशांत त्यागी भी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हैं। प्रशांत जी, क्या लगता है आपको? देखिए, जब दुश्मन इस तरह से आपस में उनमें टकराव हो जाए तो उससे फायदा होता है आपको, तो आपको तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपने आप ही आपस में लड़ाई हो रही है, जिस तरह की बात सुनील जी बता रहे हैं, बीजेपी के अंदर ही टकराव की स्थिति बनी हुई है, उससे तो आपको सीधे सीधे फायदा होता है। पंकज जी देखिए, अभी हमने सुना भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी को, वो कह रहे थे कुछ नहीं पक रहा है। अगर कुछ नहीं पक रहा है तो धुआं कैसे उठ रहा है? अगर धुआं उठ रहा है इसका मतलब कहीं तो चिंगारी लगी होगी, कहीं तो आग लगी होगी, कहीं तो दो गुटों के बीच में, तीन गुटों के बीच में क्लैश हुआ होगा, उसके बाद ही चिंगारी लगी और उसी के बाद धुआं उठना शुरू हुआ है। और ये अब से नहीं है, ये कई वर्षों से चल रहा है, पिछले 2-3 वर्षों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश के आम जनमानस से या बच्चे बच्चे से पूछेंगे तो वो भी ये बता देगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और सेंटर में अमित शाह जी के बीच में इस समय तलवारें खिंची हुई है और ये अब से नहीं खिंची हुई है। अमित शाह जी तो इंतजार ही कर रहे थे कि कहां उत्तर प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की टैली नीचे आएगी उसके बाद वो अपना राजेश जी देखिए कॉन्सेंट्रेट तो करना चाहिए 10 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं 10 सीटों पर उस पर, लेकिन ये जो टकराव की स्थिति बनी है जिस ओर इशारा कर रहे हैं प्रशांत जी, सुनील साजन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे में तो कहां से कॉन्सेंट्रेशन होगी जब अंदर टकराव इस तरह से सामने आ रहा है? देखिए, टकराव तो पूरे देश ने देखा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रातों रात लखनऊ के अंदर मंच बना करके रामगोपाल यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को अवदस्त कर दिया था, जिस तरह से औरंगजेब ने शाहजहां को सत्ता से नुकसान हुआ ना, उसी तो उसी तरह हुआ ना, मेरी बात पूरी हो रही है, तो इनको तो आपको भी हो सकता है, फिर इनको इनको लगता है कि ऐसे ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनको वही देखने को सब मिलता है, चाचा अलग भागते हैं, भतीजा अलग भागता है, और जब पराजित हो जाते हैं तो फिर एक होने की कोशिश करते हैं, फिर भी दोनों में आपस में मनमुटाव रहता है। तो ये सब लोग समाजवादी पार्टी के अंदर होता है, कांग्रेस के अंदर होता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नहीं, किसी परिवार की पार्टी तो है नहीं है। सुनील जी देखिए, मैं सुनील जी इसका तो आप जवाब दे ही, लेकिन साथ साथ आपसे और प्रशांत जी से दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि आप दोनों के बीच में सब ठीक है ना? सुनने में तो ये आ रहा था कि कांग्रेस अब